हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जैसे सुबह सुबह का टाइम है, तो ये मैं बना रही हूँ फालूदा। तो ये ग्रीन कलर का था, इसके ना बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आए हुए हैं। तो अभी कलर वाला भी बहुत प्यारा प्यारा सा है, बहुत टेस्टी भी बनता है खाने में। तो ये मैं बना रही हूँ टिफ़िन के लिए फालूदा। तो अभी बनाने मुझे टिफ़िन एक अपना बनाना है, एक हस्बैंड का बनाना है। तो अभी मैंने मतलब इसको वॉश करके रखा था, पर फिर भी मैं इसको ना कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो ना जैसे थोड़े थोड़े दाग से लगे जाते हैं ना, पानी के दाग वगैरह भी होते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। सबके सामने टिफ़िन वगैरह ओपन करना होता है, वैसे भी साफ़ कर लेना चाहिए अच्छी तरह से। तो अभी मैं कर रही हूँ टिफ़िन पैक, और आज मैंने सब्ज़ी पहले मैंने चपातियाँ वगैरह डाल के अच्छी तरह से, तो एक आज मैंने वो भी बनाए थे जैसे पपीते के परौंठे बनाए थे, तो एक एक परौंठा सबको वो ही डाल दिया। तो साथ में डाल रही हूँ ये फालूदा। तो अभी तो वैसे तो ये ठंडा करके खा जाता है, बट अभी टाइम नहीं है। और साथ में बैंगन की सब्ज़ी और आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, और पपीते के परौंठे, और साथ में बनाए थे मैंने फालूदा। अभी हो रही हूँ मैं ऑफ़िस के लिए रेडी। सारा घर का काम ख़त्म हो चुका है, क्लीनिंग हो चुकी है और किचन का सारा काम ख़त्म है। तो उसके बाद अभी बच्चे भी नहा धो के रेडी हो गए हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9, और 9 बजे से पहले का ही टाइम है। तो ये जो वीडियो है वो मेरा नेक्स्ट डे का वीडियो है, शाम को मैं नहीं बना पाई थी। एक्चुअली इनका फ़ोन टूट गया था, वो उसी फ़ोन से हम डेली वीडियो बनाते हैं, और वो फ़ोन टूट गया, और फिर आज दूसरे दिन मैंने वीडियो बनाया था अपने फ़ोन से। तो ये उसके बाद ये अभी मैं मतलब क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ सुबह उठ के। तो अभी झाड़ू तो लग चुका है, उसके बाद डस्टिंग भी हो चुकी है, और साथ में उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। जब से मैं ये पोछा लेके आई हूँ ना, तब से बहुत ज़्यादा इजी हो गया है पोछा वगैरह लगाना, क्लीनिंग करना। तो ये वीडियो थोड़ा सा बिहान ही शूट किया था, तो तभी कैमरा इतना हिल रहा है, नहीं तो उसके पापा कर रहे थे कुछ काम ना फ़ोन पे, तो इसलिए वो नहीं बना पाए। तो ये बना रहा है वीडियो। इतना टाइम नहीं होता कि स्टैंड पे लगा के ना, जैसे बार बार फिर ऐसा होता है कि मतलब कभी कभी किधर जाना पड़ जाता है, तो फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और सारे काम बहुत कम भी बहुत सारे होते हैं संडे को, तो पता ही है सबको कि कैसे सारे काम ही हमारे को संडे को मिलते हैं। लोगों के लिए संडे रेस्ट के लिए होता है, और हमारे लिए घर के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो निपटाने के लिए होता है। तो आज क्लीनिंग का तो हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बट ऐसा होता है कि संडे को थोड़ा सा ज़्यादा आराम से कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये होता है कि मतलब अगर थोड़ा बहुत कमी पेशी रह गई हो तो वो हम मतलब संडे के दिन पूरी कर लेते हैं। तो अभी क्लीनिंग वगैरह का काम ख़त्म हो चुका है मेरा, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में बना रही हूँ सैंडविच। तो सैंडविच में आज मैंने ये थोड़ा सा काट के रख लिया है शिमला मिर्च टमाटर प्याज, साथ में बना रही हूँ पोहा। तो पोहा मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे पोहा ना, हल्का सा होता है और क्या कहते हैं वैसे भी खाने में भी टेस्टी लगता है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से पोहा बनाती हूँ मैं, मतलब इसमें वैसे तो पीनट्स वगैरह डाला जाता है, तो वो ना वो खाता नहीं हमारे घर में कोई भी, और मेरे को थोड़ी सी उससे एलर्जी भी है, तो इसलिए वो मैं नहीं डालती हूँ इसमें पीनट्स वगैरह। अगर फ्राई करके डाले तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो दूसरी तरफ मैं सैंडविच की तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज मैंने काट लिया, टमाटर ले आई हूँ, और मैं ले आई हूँ साथ में शिमला मिर्च। और इस बार मैं थोड़ा सा अलग से तरीके से बनाने जा रही हूँ, और इसमें मोजरेला चीज़ डालूंगी। तो ये देखिए पोहा हो गया रेडी। तो इसमें देखो शिमला मिर्च, टमाटर, नमक सारा कुछ मैं डाल रही हूँ। थोड़े से मैंने इसमें मक्की के बीज भी डाले थे बॉयल करके। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, नमक, और सारी सब्जियों को ना मैंने बारीक बारीक से काट लिया है, ऐसे सब्जियां भी यूज़ हो जाती हैं। और दूसरा ये है कि बच्चे पसंद करते हैं ऐसा वाला खाना ना, तो साथ में अभी इसमें नमक मिर्च जो भी डाल, थोड़े मिर्च मैंने कम डाली है, हरी मिर्च डाली है, और थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल दिए कलर के लिए।
ऐसे खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था, चाट के जैसे लग रहा था। तो अभी कर रहती हूँ मैं स्टफिंग, और ये मैं कर रही हूँ इसमें फिलिंग। ये मोजरीला चीज़ लेके आई थी, बहुत बहुत बढ़िया निकला है। और वैसे तो मैं स्लाइसेस यूज़ करती हूँ ना, तो फर्स्ट टाइम तो ये क्रस्ट वाला था, तो वो वाला लेके आई हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत टेस्टी भी लगा खाने में, बहुत जल्दी मेल्ट भी हो जाता है, और जो स्लाइसेस है वो भी अच्छी रहती हैं, बट मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा उससे, क्योंकि स्लाइस ज़्यादा लगती है और रेट वाइज दोनों एक ही जैसी ही हैं। तो अभी बना लेते हैं सैंडविच। तो साथ में मैंने पोहा बनाया है, साथ में बना लेंगे चाय। तो आज कर लेंगे ये वाला ब्रेकफास्ट, थोड़ा लाइट लाइट करते, बहुत हैवी हो गया था। फिर दोपहर तक भूख ही नहीं लगी हमको, और खा भी हमने दो दो तीन तीन खा लिए थे। और ये अभी हो गया है ब्रेकफास्ट रेडी। तो साथ में मैंने ऊपर से डाल दिया था नमकीन, और आ गए हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट करने, आ जाइए आप लोग भी। और उसके बाद ये मेरा दोपहर का वीडियो है, दोपहर में मैं बना रही हूँ सब्जी, नहा धो के फ्रेश अभी हुई हूँ, उसके बाद मैं बना रही हूँ सब्जी। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको पंडोड़, पंडोड़ की सब्जी होती है, जो मैंने बताया था स्नेक की तरह होते हैं, तो ये वाली सब्जी बनाई थी। वैसे इतना पसंद नहीं करते हैं ना, बट ये थोड़े ज़्यादा पड़े थे लेके आए थे, तो अभी नहीं तो इसे ख़राब भी नहीं कर सकते ना। तो अभी मैं लगा लेती हूँ इसको जो, तो ये देखिए मैंने तड़का लगा दिया है इसको अच्छी तरह से, और टेस्टी बनते हैं, ऐसा नहीं है। और आपको पता ही है मैं सारी सब्जियां कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा ना कच्ची सब्जी कोई भी पसंद नहीं करता, अगर थोड़ी सी भी कच्ची रह जाए ना सब्ज़ी तो पसंद नहीं करता है। तो लोइन है कि डॉगी की नई वैरायटी आई है, नई ब्रीड है? अच्छा लोइन है, ओ तेरी, ये तो सबको खा लेगा इस साल। ऊपर क्या है ये, बोट? अच्छा ये जहाज है, ये तो इससे तो इससे सीधा पहुंचेंगे फॉरेन कंट्री। अच्छा नहीं लोइन जबरदस्त है। नहीं आई ब्राइटी कब मैच करा इसको।